तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में हमने बहुत सुपर हीरोज देखे, तो फाइनली ये समय आ चुका है कि हम इनमें से पावरफुल सुपर हीरोज को रैंक करें। तो मार्वल और डीसी सुपर हीरोज के मामले में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, जहाँ पे हमने थोर से लेके सुपरमैन तक, आयरन मैन से लेके बैटमैन तक, कैप्टन मार्वल से लेके वंडर वुमन तक पावरफुल सुपर हीरोज देखे हैं। तो इतने साल इन सुपर हीरोज को एंजॉय करने के बाद इनसे रिलेटेड सबसे मुश्किल काम करते हैं, यानी इन्हें रैंक करना। हालांकि हम बहुत से कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं, बहुत से मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे मुश्किल काम होता है वो है सुपर हीरोज को रैंक करना। तो आज के इस वीडियो में हम मार्वल और डीसी में दिखाए गए टॉप 10 सुपर हीरोज को रैंक करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स की। इसके ऊपर हम बात करेंगे इन सुपर हीरोज की उन फॉर्म की जिस मेजर पॉइंट में सुपर हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखे हैं, लाइक इन्फिनिटी वॉर थॉर, सुपरमैन विद ब्लैक सूट एंड स्कारलेट विच इन वांडा विजन। आप इसे एक तरह से ऑल टाइम रैंकिंग भी समझ सकते हो। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब बिना किसी देरी के इस उल्टी गिनती को शुरू करते हैं। नंबर 10, शैंग-ची। तो हाल ही में रिलीज हुई शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग मूवी में हमने शैंग-ची को पहली बार टेन रिंग्स के साथ देखा, जहां पे अपने वॉरियर स्किल्स की वजह से अपने डैड को ऑसम फाइट देने के साथ साथ इसने टेन रिंग्स की मदद से डार्क ड्वेलर को भी हराया। लेकिन हम टेन रिंग्स को स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर जैसे डेडली वेपन से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन तब भी शैंग-ची विद टेन रिंग्स इस लिस्ट में इतना डाउन कैसे है? तो इसका आंसर है कि अभी तक हमें परफेक्ट ओरिजिन नहीं देखने को मिला शैंग-ची के टेन रिंग्स का, हमें शैंग-ची इसे ढंग से यूज करते हुए भी नहीं दिखा। इसके ऊपर शैंग-ची ने टेन रिंग्स को अभी अभी पहना है, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इस काम में मास्टर बनने में। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि शैंग-ची ने टेन रिंग्स की मदद से डार्क ड्वेलर को हराया, लेकिन यार अगर हम इस बात को ध्यान से सोचेंगे तो डार्क ड्वेलर को तो म्योनियर भी हरा सकता है, क्योंकि जब डार्क ड्वेलर के जितने सटर के ड्रैगन के ऊपर म्योनियर रखा गया था तो सटर का ड्रैगन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इन फ्यूचर हमें शैंग-ची और टेन रिंग्स की पावर और ज्यादा एक्सप्लोर होते हुए दिखेगी, तो उस पॉइंट पे शैंग-ची इस लिस्ट में और ऊपर आ सकता है, लेकिन अभी तक शैंग-ची इस पोजीशन की बॉटम पोजीशन पे है। नंबर 9, वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो जिसके पास है कभी ना हारने वाली कैप की काबिलियत और थॉर की पावर्स, वो है वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो हम सब की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी अवेंजर्स एंडगेम में जब कैप ने म्योनियर को उठाया था तो हमारा रिएक्शन देखने लायक था, लेकिन इसके बाद मजा तब आया जब इसने थैनोस को कूट के रख दिया। लिटरली हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही थैनोस है जो हमारी ट्रिनिटी का इतना बुरा हाल कर चुका था। तो अगर अपना सिंपल स्टीव रोजर्स होता तो वो इस लिस्ट में नहीं आ सकता था, लेकिन ये वाला स्टीव इस लिस्ट में आया क्योंकि इसके पास है थॉर की पावर्स। ये थॉर की लाइटनिंग पावर्स को यूज कर सकता है। हालांकि थॉर की फिजिकल पावर्स तो कैप के पास नहीं है, लेकिन लाइटनिंग पावर्स ही उसे इस लिस्ट की टॉप 9 पोजीशन पे लेके आ रही है। तो अब आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट में कहेंगे कि कैप इतना पावरफुल है तो इस लिस्ट में आगे क्यों नहीं आया। तो उनके लिए मैं बता दूं कि कैप पावरफुल तो है, लेकिन उसने अभी अभी म्योनियर उठाया है, वो थॉर की पावर्स को ठीक से यूज करना नहीं जानता। नंबर 8, शज़ाम। तो शज़ाम के पास 6 गॉड्स की पावर है, और इन 6 गॉड की पावर्स की वजह से ही शज़ाम इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि शज़ाम अभी बच्चा है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का ढंग से यूज करना नहीं जानता, लेकिन हमने मूवी के लास्ट सीन में ऐसा भी देखा कि शज़ाम की फैमिली जब परेशानी में हो तो शज़ाम क्या कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए स्ट्रेंथ, स्पीड, लाइटनिंग, करेज और थोड़े बहुत विस्टम और स्टेमिना का भी यूज किया, यानी कि शज़ाम अपनी पावर्स को यूज करना तो जानता है लेकिन ढंग से नहीं। यानी हम इसे एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि उसकी पावर अभी ढंग से अनलॉक नहीं हुई है, और जिस दिन वो अनलॉक हुई तो उसकी पावर सुपरमैन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन ने शज़ाम से खुद कहा था कि तुम हर एक तरह से मेरे बराबर हो। तो भले ही शज़ाम की पावर ढंग से अनलॉक नहीं हुई हो, लेकिन तब भी वो इस लिस्ट की 8 पोजीशन में आने का पूरा हकदार है। नंबर 7, आयरन मैन। आयरन रीजन, ब्लीडिंग एज आर्मर और मार्केटिफाई बनाने वाला है अपना टोनी स्टार्क। तो आयरन मैन ने आज तक क्या कुछ नहीं किया, एक सिटी बचाने से यूनिवर्स बचाने तक। तो आयरन मैन एक जीनियस है जिसने अपने सूट में बहुत हाई टेक्नोलॉजी ऐड की हुई है, रिपल्सर्स, कैमरास, मिसाइल्स, सुपर स्पीड, शील्ड, लेजर, फ्रीज बीम और यहाँ तक कि फॉर्मिंग एनी शेप। यानी आयरन मैन का सूट किसी भी टाइप की शेप को फॉर्म कर सकते हैं, बस आयरन मैन को सोचना कि कौन सी शेप फॉर्म करनी है और उसके सूट वो उसे करके देंगे। इसके ऊपर आयरन मैन के मार्क 85 ने तो 6 इन्फिनिटी स्टोन के डिसीजन को भी डिफेंड किया था। हालांकि इससे टोनी मर गया था, लेकिन उसने डिफेंड तो किया था। अब थैनोस के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट था जो टोनी स्टार्क ने बनाया था, लेकिन आयरन मैन ने जब स्नैप किया तो उसने अपने सूट में ही किया। नंबर 6, वंडर वुमन एंड कैप्टन मार्वल। तो अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल ने थैनोस की स्पेसशिप को तोड़ने के साथ साथ थैनोस के साथ एक ऑसम फाइट के साथ साथ क्री सोल्जर्स को भी हराया था। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, जिसकी वजह से वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती है। इसके ऊपर कैप्टन मार्वल के पास है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट और यहाँ तक कि एनर्जी प्रोजेक्शन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन।
यानी कि वो एनर्जी को प्रोजेक्ट और एनर्जी को एब्जॉर्ब दोनों कर सकती है। और अगर दूसरी ओर बात की जाए वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन लिटरली एक वॉरियर है। हमने मूवीज में भी देखा कि वंडर वुमन इतने सालों से किस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हुए आ रही है। इसके ऊपर वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कमाल का एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस। अब वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस कितने ज्यादा क्विक हैं, ये बात हम देख चुके हैं वंडर वुमन वर्सेस एरिस फाइट में, जहाँ पे वंडर वुमन ने रिफ्लेक्सेस का यूज इस तरह से कर रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि वंडर वुमन टेलीपोर्ट ही हो रही है। इन सबसे ऊपर है वंडर वुमन के पास उसके ऑसम वेपन्स, जिनमें आते हैं उसके स्वॉर्ड, शील्ड, लैसो ऑफ ट्रूथ और उसका सबसे पावरफुल वेपन ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन। अब इस वेपन का यूज तो हम कई बार देख चुके हैं, जहाँ पे हमने इसका यूज एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए देखा तो एनर्जी प्रोजेक्ट करते हुए देखा। वंडर वुमन ने इसका यूज स्टेफन वुल्फ, डूम्सडे और एरिस के खिलाफ किया और एरिस की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब भी किया। हालांकि वंडर वुमन के ब्रेसलेट्स को यूज करने की एक लिमिट है, लेकिन तब भी उसके ब्रेसलेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5, सुपरमैन। तो द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोनाइट और औलाद की फुलाद सुपरमैन इस लिस्ट में डाउन है। ये सुपरहीरो टॉप 3 से नीचे तो बात ही नहीं करता, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे हम फाइट की नहीं सिर्फ पावरफुल होने की बात कर रहे हैं, इसलिए सुपरमैन इस लिस्ट में थोड़ा डाउन है। तो इस सुपरमैन के पास भी ऑलमोस्ट सेम पावर्स है, लेकिन एडवांस लेवल पे। अब इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि ब्लैक सूट सन से सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सुपरमैन ने ब्लैक सूट पहना और सन से बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि पूरी जस्टिस लीग मिलके भी सुपरमैन को नहीं रोक पा रही थी। इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि सब जस्टिस लीग के इतने पावरफुल अटैक्स के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसने फ्लैश के साथ रेस की और उसकी स्पीड को डिटेक्ट किया। इसके रिफ्लेक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसने स्टेफन वुल्फ के पंच को इतने इजीली डॉज करने के साथ साथ फ्लैश को डिटेक्ट किया। और इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसने हीट विजन से स्टेफन वुल्फ की एक सींग को काट डाला। नंबर 4, इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो यहाँ पे बहुत से फैंस हैं जिन्हें ऐसा लगेगा कि थॉर इस लिस्ट में नीचे है, और बहुत से फैन ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगेगा कि थॉर सुपरमैन से आगे कैसे हैं। तो पहली बात कि थॉर इस लिस्ट में नीचे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हम पावरफुल होने की बात कर रहे हैं, ना कि फाइट की। और दूसरी बात कि थॉर सुपरमैन से आगे कैसे है, इसको जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा। इसमें मैंने थॉर वर्सेस सुपरमैन का मूवीज के बेसिस में पूरा ब्रेकडाउन किया है, तो उसे फटाफट से देख लेना। यार पहले इस वीडियो को तो देख लो। तो इस थॉर के पास हमने स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि पावर्स को भी देखा, जहाँ पे इसने अपनी स्ट्रेंथ से न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स और रॉकेट की स्पेसशिप को घुमा दिया, ड्यूरेबिलिटी से न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लेने के साथ साथ पावर स्टोन के रिएक्शन को डिफेंड किया, और अपने कमाल के हीलिंग फैक्टर से पावर स्टोन के टच से कुछ ही सेकंड में हील हो गया, और अपने कमाल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन से आउटराइडर, थैनोस शेप और थैनोस को वाउंडेड कर दिया। इसके ऊपर 6 इन्फिनिटी स्टोन के रिएक्शन को भी डिफेंड करके रख दिया। नंबर 3, द फ्लैश। तो द गॉड ऑफ स्पीड, द फास्टेस्ट मैन अलाइव, या आप इसे कुछ भी कहो, फ्लैश हर एक नाम डिजर्व करता है। तो अगर आप सब लोग सोच रहे होंगे कि फ्लैश थॉर सुपरमैन से ऊपर कैसे आया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे हम पावर सुपरहीरोज़ को रैंक कर रहे हैं, ना कि फाइट की बात कर रहे हैं। और वैसे भी स्नाइडर कट के बाद तो फ्लैश का टॉप 3 पोजीशन में आना बनता ही है, क्योंकि इसने स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल किया, जिसकी वजह से टाइम ही रिवर्स हो गया। और ये सिंगल बात ही काफी है कि फ्लैश कितना ज्यादा तेज है और इस पोजीशन में क्यों है। नंबर 2, स्कारलेट विच। तो वो टीवी सीरीज जिसमें वांडा सबसे पावरफुल हुई, वांडा का ओरिजिनल नाम स्कारलेट विच हमें सुनने को मिला, और वांडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई, यानी वांडा विजन। इस सीरीज में अभी तक हमने वांडा की मूवीज में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म देखी, जहाँ पे ये विजन को बनाने के साथ साथ अपने खुद की रियलिटी बनाने के साथ साथ अपने खुद के बच्चे तक बना चुकी थी। और इससे भी मन नहीं भरा तो इसकी टेलीकिनेसिस पावर भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और इन सबसे ऊपर अगाथा ने ये खुद कह दिया कि तुम्हारी पावर सोर्सर ऑफ सुप्रीम से भी ज्यादा है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें वो पावर्स यूज करना नहीं आती है। यानी वांडा सोर्सर ऑफ सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इस लिस्ट की सेकंड पोजीशन में आ रही है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि थॉर वांडा को इजीली हरा सकता है, तो उन्हें मैं बता दूं यस वो ऐसा कर लेगा, लेकिन यहाँ पे हम पावरफुल की बात कर रहे हैं, ना कि फाइट की, इसलिए वांडा नंबर 2 पे है। सो फाइनली नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्टीवन स्ट्रेंज पावरफुल है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं कि वो इस लिस्ट की टॉप पोजीशन में आ सके, लेकिन ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज आ सकता है। तो जब मैंने ये कहा था कि हम ऑल टाइम के हिसाब से मूवीज में दिखाए गए सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन वाले सुपर हीरोज को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि नंबर 1 पे डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन ही होगा।
तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी टाइम स्टोन एमसीयू और डीसीयू के किसी भी सुपर हीरो के ऊपर भारी है, क्योंकि टाइम स्टोन की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी कर सकता है, यानी कुछ भी। वो टाइम स्लो कर सकता है, टाइम फास्ट कर सकता है, टाइम पॉज कर सकता है और कई सारी पॉसिबिलिटीज पहले ही देख सकता है। यानी कि जिस ओपोनेंट के साथ उसकी फ्यूचर में फाइट होगी उसकी सारी वीकनेसेस और मैच का सारा रिजल्ट वो पहले ही देख लेगा। और इसके ऊपर ये इसे डार्क डायमेंशन और मिडिल डायमेंशन तक एक्सेस कर सकता है और किसी को भी वहां पे ट्रैप कर सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन से कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स का अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहां हमने एमसीयू और डीसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को रैंक किया, और ये रैंकिंग सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी। अगर आपको लगता है कि लिस्ट किसी और तरह से भी हो सकती थी और अगर हमसे कुछ भी मिस हो गया हो तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर बता देना, एंड अपनी रैंकिंग कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर कर देना, एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोस एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो एस एस 10 असेंबल्ड।